ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला फिर शुरू करते हैं, लेकिन पहला सवाल बच्चे से होगा। बच्चे मन के सच्चे, क्या सवाल है बेटा तुम्हारा? अंकल मेरा सवाल है कि अभी तक भागलपुर में एयरपोर्ट क्यों नहीं बना है? ना तो एयरपोर्ट है ना तो कुछ है, वहाँ टंकी देखिए अंकल खाली पड़ा हुआ है, क्या हो रहा है भागलपुर में? ये अभी तक हम जब से इतने से थे तब से आज तक एयरपोर्ट नहीं बना है। वहाँ एरोप्लेन उड़ना चाहिए था, धूल उड़ता है वहाँ पर, धूल उड़ता है आप जाके देखिए उसके बाद पता चलेगा, ऐसे ऐसे धूल उड़ता है। और वहाँ पर बहुत सही बात बताई, एयरपोर्ट नहीं बना है। लेकिन हम मोदी जी के बारे में एक चीज आपको बताना चाहते हैं। सभी लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनाया, लेकिन भैया कोर्ट ने आदेश दिया तब राम मंदिर बना, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया है। ध्यान से केस किया अंकल, जब केस किया ही नहीं जाएगा, जब बनेगा ही नहीं, जब पैसा कौन दिया था बनने के लिए, पैसा कौन दिया था, पैसा कौन दिया था? जब से खपड़ा पे थे तब से तो किसी को याद नहीं आया राम मंदिर का, तब से किसी के राम जी नहीं थे वो, अब मंदिर बन गया तो सब अपना क्रेडिट उठाए जा रहा है। आप बोलने दीजिए। हाँ ये बच्ची बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि ये खपड़ा में तब याद नहीं, क्योंकि इसको पता नहीं है कि केस कब हुआ है। मैं कुछ नहीं पता, बताओ केस अंकल। हाँ तो ठीक है ना, सुनिए ना इसका, सुनो तो केस जब हुआ था तो आप काहे नहीं लड़े, आपकी पार्टी क्यों नहीं लड़ी केस? राम मंदिर बनने के बाद आपको मस्जिद याद आया? हम इस बच्ची से नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे समझदार आदमी है उनको पता होगा केस कब हुआ है। ये तो मूल मुद्दा उठा रही है, लड़ थोड़ी रही है। हम लड़ तो रहे नहीं अंकल, हम बस इतना पूछ रहे कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ थी जब यह राम जी जब खपड़ा पे थे, आपकी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ थी? बाबू तुम्हारा क्या कहना है कि राम मंदिर का फैसला मोदी जी ने दिया है? तो फैसला का बात नहीं अंकल, वो बात ये है कि जब आपकी पार्टी लड़ी नहीं रही है तो आप कैसे बोल सकते हैं राम मंदिर आपका है, कैसे बोल सकते हैं? आखिर 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी तो क्यों नहीं बोला कि राम मंदिर का फैसला हुआ था, ये बताइए आप। ये धूल उड़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है भागलपुर में? हमको क्या पता, वहाँ से पूछिए ना कौन जिम्मेदार है। खाली ये देखिए, ये बताइए कि ये जो खड़े हो जाइए, देखिए छोटी बच्ची ने लगातार सवाल किया, क्या सवाल है भागलपुर की? आप युवा हैं, यूथ हैं, किस रूप में यहाँ लड़कियों की सुरक्षा है, क्या है? छोटी लड़की ने इतने सवाल पूछे, पूछिए। हंसी आ रही है केवल, कुछ नहीं पूछोगे? चलिए बताओ भाई। ईमानदार सिटी है सर, प्रधानमंत्री का जितना भी पार्टी में आदमी है सब ईमानदार है, ईमानदार है, चोर है, बाकी सब चोर है। आप किस पार्टी में? सुनिए, हम कोई पार्टी में नहीं है, हम जनता है। और देखिए इस बार सिटी का परिचय टंकी देखिए, वहाँ हम गंदा पानी पी, बिटिया पूछ रही थी भाई कह रहे गंदा पानी पी रहे हैं हम लोग, लेकिन टंकी खाली है देख लीजिए। और कुछ नहीं बोलना है। रोजगार सर, 5 साल में 5,696 वैकेंसी आई है रेलवे में 2019 के बाद। सरकार क्या कर रही है हम युवाओं के लिए? हम युवा का दर्द है। 66% जो है 19 साल से लेके 25 साल के युवा हैं, और 83% जो है उसमें से अनएम्प्लॉयड हैं। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, जैसा अगर राम मंदिर इशू है तो बताइए भी तो इशू है। ऐसा तो है नहीं कि बेरोजगार जो लोग होते हैं उनके बारे में कोई सुनने वाला नहीं है। तो क्या सुनने वाले हैं बताइए? कोई नहीं सुनता, सब राम मंदिर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अपने दर्द को बयां करिए। दर्द यही है कि बेरोजगारी है और बेरोजगारी जड़ का मुद्दा। कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार वो है जो 10 साल से यहाँ पे सरकार में है। कौन जिम्मेदार? वो है भागलपुर में जो सांसद थे वो जिम्मेदार है, और जिम्मेदार कौन रहेगा? स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, पिछले 10 साल से इस शहर के माननीय विधायक कांग्रेस पार्टी से हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर अगर नल से जल नहीं आ रहा है तो हम अपने जनता के पूरे 10 साल में। सर विपक्ष हमेशा कहता है बेरोजगारी आ गई, क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि आज के पहले सब कलेक्टर थे क्या, और सब बड़े बड़े ऑफिसरों पर बैठे हुए थे क्या? बेरोजगारी तब नहीं थी? हमेशा से कांग्रेस या विपक्ष हमेशा बोलती है कि बेरोजगारी है, गरीबी है, तो उन लोग अपने 70 सालों में क्यों नहीं वो बेरोजगारी खत्म की है, क्यों नहीं उन लोग गरीबी खत्म की है, और आज अचानक हम लोग 2019 से मेरा है। पहले एक बेरोजगार काउंटिंग करने की एक संस्था चलती थी, प्लीज कीप साइलेंट, बेरोजगार काउंटिंग करने की एक संस्था, उसको मोदी जी को क्या ऐसा कारण आ गया या
जो सरकार है उसको क्या कारण आ गया कि उस संस्था को उन संस्था को बंद किया गया और उन्होंने युवाओं को छलने का काम किया है। किसने किया भाई? ये मोदी जी ने किया, कोयला अदानी का। बहुत बहुत हो गया विनाश, अब की बार कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी, नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी सुन के गदगद हो गए होंगे। युवा है तो कई बार दूल्हा तो बता दीजिए, आखिर कौन है दूल्हा, कांग्रेस का दूल्हा कौन है पहले ये तो बता दीजिए। राहुल गांधी दूल्हा है, दूल्हा तो एक ही है, दूल्हा एक ही है, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अरे तीन बार बोलने से थोड़े हो जाएंगे, एक बार बोलिए राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। सवाल कांग्रेस के नेता से है, राहुल गांधी, राहुल गांधी गदगद हो जाएंगे भागलपुर की जनता की आवाज सुन के। उनको भरोसा नहीं होगा कि उनके इतने चाहने वाले हैं। सर सवाल कांग्रेस के नेता से है कि 70 साल तक राज किया, उन्होंने कभी दलित की बात नहीं की, उन्होंने पिछड़े की बात नहीं की, उन्होंने कभी मुस्लिम की बात नहीं की। अभी भी दलित में, पिछड़ों में, मुसलमानों में, गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उन्होंने कभी क्यों नहीं बात की? हमारे प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 28 केंद्रीय मंत्री पिछड़ों से बनाया। कितना हल्ला कर रहे हो क्या, क्योंकि रोजगार हमारा छीना है। और आप बताइए, आज बच्ची जी अभी दिखाई टक्की की और सारा किया, क्या अपने माननीय विधायक जी का नजर नहीं किया उसके ऊपर कि 5 साल में कि नगर निगम में दौड़ देकर टंकी को पंच कराते, ये वार्ड के शहर के बीच की टंकी भाई नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।